प्यारे बच्चों, अभी तक आपने मानचित्र को लेकर जो बातें की वो मानचित्र को समझने और उसे पढ़ने के लिहाज से बहुत ज़रूरी थी। आपने दो तीन खास बातें देखी। पहली बात तो ये कि मानचित्र को समझने पढ़ने के लिए हमें दिशाओं का उपयोग करना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो मानचित्र के लिए बहुत ज़रूरी थी वो थी कि पैमाना उसमें शामिल होना चाहिए। एक पैमाना आवश्यक है जो हमें दूरियों के बारे में बताता है और दूरियों को ठीक से समझने के बारे में हमारी मदद करता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि उन संकेतों को भी हम समझें जिनका उपयोग हम मानचित्र में करते हैं। तो ये तीन खास खास बातें थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। हम मानचित्र में समझने के लिए ये देखते हैं कि कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं। तो मानचित्र मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, इन्हें हम आगे समझते हैं। पहला जो प्रकार है मानचित्र का वो प्राकृतिक मानचित्र कहलाता है। यहाँ कुछ नक्शे आप देखेंगे तो पहला जो नक्शा आपके सामने है, पहला जो मानचित्र आपके सामने है वो प्राकृतिक मानचित्र का एक उदाहरण है। आप देख रहे हैं आपके सामने हिंदुस्तान का एक नक्शा है और इस नक्शे में आप कुछ अलग अलग रंग देख रहे हैं और कुछ नीली रेखाएं देख रहे हैं। तो ये जो नीली रेखाएं हैं वो नदियों को प्रदर्शित कर रही हैं और जो हरे हिस्से हैं वो माउंटेन्स को, पहाड़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं, कुछ मैदान और पठारी हिस्सों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब हम नक्शे में धरातल को या धरातल की विविधताओं को जैसे नदी, मैदान, पहाड़, इन सब चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार का जो नक्शा होता है, इस प्रकार का जो मानचित्र होता है उसे हम प्राकृतिक मानचित्र की श्रेणी में रखते हैं। और एक नक्शा हम और देखते हैं। ये जो अगला नक्शा आपके सामने है, ये जो नक्शा है वो नक्शे के दूसरे प्रकार को प्रदर्शित करता है जिसे हम राजनैतिक मानचित्र या राजनैतिक नक्शा कहते हैं। इस राजनैतिक नक्शे में आप देख रहे हैं कि आपको अलग अलग राज्य दिखाई पड़ रहे हैं और इन राज्यों को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर राज्य की सीमाएँ कैसे एक दूसरे को अलग कर रही हैं। तो इस राजनैतिक मानचित्र में, राजनैतिक नक्शे में न केवल राज्य बल्कि हम जिले, गांव, तहसील, इन सारी चीज़ों को प्रदर्शित कर पाते हैं और इसके बाहर भी जा सकते हैं। अगले नक्शे पे आप देखिएगा, ये देखिए, ये जो अगला मानचित्र है, अगला नक्शा है वो विश्व के एक हिस्से को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर हमारा देश और हमारे देश के आसपास के दूसरे देश, कुछ दूसरे महाद्वीप और उनके देश दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो दो नमूने आपने देखे, ये दोनों के दोनों नमूने राजनैतिक मानचित्र के नमूने थे, राजनैतिक मानचित्र के उदाहरण थे। तीसरा जो प्रकार होता है वो विषयगत मानचित्र कहलाता है। इसमें आप देखिए, इसमें राष्ट्रीय उद्यान को प्रदर्शित किया गया है। आप पूरा देख रहे हैं, हिंदुस्तान का पूरा नक्शा हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है और यहाँ पर कुछ वन्य जीवों के चित्र दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे आपको शेर का चित्र दिखाई पड़ रहा होगा, मयूर दिखाई पड़ रहा होगा और कुछ कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। तो ये जो दृश्य हैं, ये जो चित्र हैं वो बताते हैं कि भारत के किस हिस्से में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। तो ये जो एक विषय है कि कौन कौन से वन्य जीव भारत के किस किस हिस्से में पाए जाते हैं, उनको प्रदर्शित करने वाला ये नक्शा जो है वो नक्शे के तीसरे प्रकार यानी विषयगत मानचित्र का एक नमूना है। अगले नक्शे की तरफ आप देखिए, ये भारत में अलग अलग वर्षा वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग रंगों के माध्यम से हमने उन स्थानों को प्रदर्शित किया है जो वर्षा के मामले में एक दूसरे से कैसे कैसे अलग हैं। और वहाँ पर जो संकेत दिए हुए, वहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि लाल रंग कितने वर्षा को प्रदर्शित कर रहा है, हरा रंग कितनी वर्षा को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो नक्शा है जो वर्षा से संबंधित है, इसे भी हम विषयगत मानचित्र की श्रेणी में रखते हैं। एक और नक्शा देखते हैं। ये जो नक्शा है वो इंडस्ट्रीज़ को प्रदर्शित करने वाला नक्शा है। हम भारत के उद्योग धंधों को प्रदर्शित कर पा रहे हैं। तो ये तीसरे प्रकार का नक्शा है जो विषयगत नक्शों की श्रेणी में या विषयगत मानचित्र की श्रेणी में आता है।